क्या आपको पता है कि ट्रैक्टर के आगे वाले टायर छोटे और पीछे वाले टायर्स बड़े क्यों होते हैं? क्या होगा अगर हम ये दोनों टायर सेम साइज के कर दे तो क्या ट्रैक्टर काम कर पाएगा? और क्या आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया में इन हिरणों का शिकार करने के लिए अफ्रीका से 8 चीते मंगवाए हैं? आखिर क्या है इसका कारण? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। फैक्ट नंबर 1, सोचिए क्या होगा अगर मैं आपको कोई बात बोलूं और आप उस बात को 3 सेकंड के अंदर भूल जाए। अगर ये चीज सारे ह्यूमंस के साथ हुई तो इमेजिन करिए इस दुनिया का क्या होगा। अब आप सोचिए गोल्ड फिश के बारे में, जिसकी सच में मेमोरी बस 3 सेकंड की होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, बस 3 सेकंड। और वो कुछ भी देखती है, सुनती है या महसूस करती है, उसे बस 3 सेकंड में भूल जाती है। और इस बात को सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि गोल्ड फिश अंडे देकर 3 सेकंड में ये भूल जाती है कि उन्होंने कोई अंडे भी दिए हैं। फैक्ट नंबर 2, पीएम मोदी के जन्मदिन पर अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया, जो कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं, जहां पर लगभग 180 चीतल हिरण छोड़े गए हैं ताकि इन्हें खाकर चीते स्वस्थ रह सके। चीतल और हिरण की संख्या ज्यादा होने के कारण इन चीतों को अफ्रीका से इंडिया लाया गया है। दरअसल इंडिया में करीब 70 साल पहले चीता गायब हो चुके थे, इसीलिए उनके कंजर्वेशन के लिए चीता प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसके लिए एक अलग तरह का एरोप्लेन तैयार किया गया है। उस एरोप्लेन को भी एक चीते जैसा लुक दिया गया है। इन विमान के जरिए इन चीतों को अफ्रीका से इंडिया लाया गया और इन्हें पीएम नरेंद्र मोदी, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मध्य प्रदेश के मंत्री श्री राज सिंह चौहान खुले जंगल में छोड़ेंगे। फैक्ट नंबर 3, ट्रैक्टर के एक टायर बड़े तो एक टायर छोटे होने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला ये है कि ट्रैक्टर को हैवी ड्यूटी यानी कि भारी भरकम काम के लिए यूज किया जाता है, जिसकी वजह से पीछे के टायर बड़े होते हैं और ट्रैक्टर को ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर भारी सामान को उठा पाता है। सेकंड रीजन ये है कि अगर ट्रैक्टर के दोनों टायर सेम साइज के होंगे, यानी अगर दोनों टायर बड़े होंगे तो सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, पर ट्रैक्टर टर्न नहीं ले पाएगा। और वहीं छोटे टायर होने की वजह से ट्रैक्टर छोटी जगह पर टर्न कर लेगा। और तीसरा रीजन ये है कि अगर ट्रैक्टर ज्यादा वेट उठा लेगा तो ट्रैक्टर आगे की तरफ उठ जाएगा, और अगर किस्मत बुरी रही तो पलट भी सकता है। पर बड़े छोटे टायर होने की वजह से वजन काफी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ट्रैक्टर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसी रीजन की वजह से ट्रैक्टर के लिए ये शेप परफेक्ट है।